अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 5 है और इसमें हम एक बहुत आसान तरीके से थंबनेल बनाना सीखेंगे। इसके लिए आप कैनवा ऐप यूज़ करेंगे। उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आपको थंबनेल के पहले से ही दिए गए होंगे। सिंपल आप ऊपर जाके सर्च में यूट्यूब थंबनेल सर्च कर लेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। वो बने बनाए आइडियाज़ अगर आपको अपने यूट्यूब वीडियो के लिए समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का थंबनेल आप बनाएं और या आपको अच्छी एडिटिंग नहीं आती, तो आप यहाँ से सिंपल जाके कोई भी, बहुत सारे डिज़ाइंस पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप इसकी पिक्चर और जो फॉन्ट और थम एडिटिंग, मतलब जो लिखा हुआ है टेक्स्ट है, वो एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको एक बना के दिखा देती हूँ। आप सिंपल उसको सिलेक्ट, टैप करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप अब पिक्चर मैंने चेंज करनी है तो उस पर टैप किया, अब इस पर एडिटिंग करूँगी मैं कैसे, इसको रिप्लेस करूँगी, नीचे ऑप्शन है रिप्लेस का, तो इसको आप जब सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास गैलरी में पिक्चर है तो वो ले ले, वरना यहाँ से आप पिक्चर किसी भी टॉपिक पे सर्च करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ जाती हैं, आप यहीं से सर्च कर लें। मैं एडिटिंग पे सर्च करती हूँ तो यहाँ पे आप देख लें बहुत सारी पिक्चर्स आई हुई हैं। जो फ्री हैं उन पर कुछ नहीं लिखा हुआ, जिन पर प्रो लिखा हुआ है उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो देख लें आपको जो अच्छी लगती है, जो आपके उसके लिए बेहतर आपको लगे आप वो सिलेक्ट कर लें। मुझे ये अच्छी लग रही है, मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। इसको सिंपल आपने सिलेक्ट कर लेना है और इसको एडिट कर लेना है। नीचे एडिट का ऑप्शन होगा, तो जो भी आपका टाइटल है वीडियो का या आपके पास कुछ और लिखने के लिए है तो वो लिख लें। मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ जिस भी वीडियो के लिए मैं थंबनेल बनाना चाह रही हूँ। तो ये मैंने लिख लिया है। अब आप इसको मैं फिक्स कर लेती हूँ, इसको छोटा बड़ा और जैसा भी करना चाहे। नीचे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ, या आप ना लिखना चाहें कुछ भी तो वो भी ठीक है। अब जो इसकी साइड्स हैं उससे आप इसको पतला और मोटा कर सकते हैं, और जो इसके कॉर्नर हैं उससे आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये जो कॉर्नर्स हैं इनसे आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको छोटा और फिक्स करके दिखा देती हूँ। अच्छा, अब इसको डन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो देखें बहुत आसान तरीके से पूरा हमारा जो थंबनेल है वो बन चुका है। और मैं इसको सेव कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह अपनी वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह बनाया जाए।